हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वैशाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स गुरुजी पर। आज हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो भी आपके संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं, जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं 2020 में जनवरी से सितंबर तक की, इस वीडियो में आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। उस पर बेस्ड जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट हैं, जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं, वो सब आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, इससे एक प्रश्न ज़रूर आपका आएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 2020 में कम एक्सरसाइज हुई है, बट जो भी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस जो वीडियो का जो पीडीएफ है, इसका पूरी जो इसका पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं, एग्जाम्स गुरुजी टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, संप्रीति 9th युद्ध अभ्यास 2020 भारत व अन्य किस देश के मध्य हुआ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसका जो ये अभी हुआ है 2020 में, ये 9th एडिशन है। संप्रीति का कौन सा एडिशन हुआ है, 9th ये एडिशन है, युद्ध अभ्यास है 9वां, और ये भारत और किस देश के मध्य हुआ है हमें ये बताना है। ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के मध्य, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है, संप्रीति है ये, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है। 9वां इसका एडिशन हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब देखिए ये जो भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है, ये लेकिन हुआ है कहाँ पर, ये हुआ है मेघालय के उमरोई में हुई है। डेट इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है किसके मध्य हुआ है, और ये इम्पॉर्टेंट है कौन सा एडिशन है और कहाँ हुआ है, ये भी पूछ सकता है। तो ये मेघालय के उमरोई में ये वाली जो एक्सरसाइज है वो हुई है। आगे अगर हम चले नेक्स्ट, देखिए क्या है कवकाज, क्या है कवकास युद्ध अभ्यास 2020 का जो आयोजन है वो किस देश के द्वारा किया गया है। तो उसका जो आयोजन किया गया है, देखिए वो किया गया है रूस के द्वारा, यानी ऑप्शन बी। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2020 में भारत को इसमें भाग लेना था, लेकिन भारत ने इसमें भाग नहीं लिया है इस साल। तो पूछ सकता है कि इसमें से कोई सी भी चार आपको एक्सरसाइज दे देगा कि किस में एक्सरसाइज में भारत ने भाग नहीं लिया है, तो वो कौन सी एक्सरसाइज है, वो है कवकाज युद्ध अभ्यास, जिसमें भारत ने भाग नहीं लिया है। नेक्स्ट देखिए आपकी क्या है, नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो है सेकंड बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्सरसाइज है, उसका आयोजन कहाँ किया गया। ये जो सेकंड नंबर की ये कौन सा एडिशन है बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज का, ये सेकंड नंबर की आपकी एक्सरसाइज है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन किया गया है भुवनेश्वर में। कहाँ इसका आयोजन किया गया है, भुवनेश्वर में। 15-16 आपकी टोटल एक्सरसाइज जो इस साल हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 15-16 में याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए जो ये जो इसमें पांच देशों में जो भाग, ये पांच देशों के बीच होती है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार। कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे देखिए क्या है, नौसेना अभ्यास गार्डियन, ये जो नौसेना अभ्यास है गार्डियंस 2020 जो है किस दो देशों के मध्य हुआ है, ये किन दो देशों के मध्य हुआ है, यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। गार्जियन मतलब पेरेंट्स बोलते हैं आप, गार्जियंस, ठीक है। तो चीन क्या है, पाकिस्तान का गार्जियन है, तो आप इसको यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं। तो किन दो देशों के मध्य हुई है, चीन और पाकिस्तान के मध्य ये जो एक्सरसाइज है वो हुई है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन किया गया है अरब सागर में। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ आयोजन किया जाता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। आगे चले नेक्स्ट, देखिए आपका जो प्रश्न है वो क्या है, भारतीय नौसेना ने किस देश की सहायता के लिए जनवरी 2020 में ऑपरेशन वनीला चलाया। देखिए भारत की जो नौसेना है उन्होंने किस देश की सहायता करने के लिए जनवरी 2020 में एक ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम क्या था, वनीला। ऑपरेशन क्या था, वनीला, किस देश की सहायता करने के लिए चलाया था, ये चलाया था मेडागास्कर, ये जो देश है मेडागास्कर उसकी सहायता करने के लिए जनवरी 2020 में ऑपरेशन वनीला चलाया गया था। और भारतीय नौसेना के जो जहाज हैं एरावत,
भारतीय नौसेना का जो जहाज है एरावत, उसने इस ऑपरेशन में भाग लिया था। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि किस जहाज ने भाग लिया था ऑपरेशन में, तो किसने लिया था, जहाज एरावत ने भाग लिया था। आगे चलिए तो देखिए क्या है, पैसेज एक्सरसाइज। पैसेज एक्सरसाइज यानी नौसेना अभ्यास है ये, PASSEX 2020 जो है ये भारत और किस देश के मध्य हुआ है। तो ये भारत और किस देश के मध्य ये जो एक्सरसाइज है वो हुई है, ये हुई है भारत और अमेरिका के मध्य, ये एक्सरसाइज हुई है कौन सी, पैसेक्स। ठीक है, पैसेज एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के मध्य हुई है और ये जो है भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में, मतलब भारत की जो नौसेना है उसने हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर एक्सरसाइज का आयोजन किया। तो ये एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है, इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है हिंद महासागर में। कहाँ पर, हिंद महासागर में इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। कुछ ये पॉइंट्स है जो इम्पॉर्टेंट है, इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप एग्जाम टाइम में रिवाइज कर सके फटाफट से, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है सहयोग काजिन। क्या है सहयोग काजिन, ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये जो सैन्य अभ्यास 2020 है ये भारत और किस देश के मध्य हुआ है, सहयोग काजिन इम्पॉर्टेंट है, ये हुआ है भारत और जापान के मध्य। कहाँ हुआ है, भारत और जापान के मध्य इसका एक्सरसाइज का हुआ है, ये एक्सरसाइज हुई है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन किया गया है चेन्नई के तट पर इसका आयोजन किया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पर किया गया है, चेन्नई तट पर इसका आयोजन किया गया है। आगे चलते हैं, देखिए क्या है एक्सरसाइज पिच ब्लैक। पिच ब्लैक ये एक वायुसेना अभ्यास है, 2020 को COVID-19 के चलते रद्द कर दिया गया है। ये भारत व अन्य किस देश के मध्य होता है, देखिए जो पिच ब्लैक है ये वायुसेना अभ्यास है, इस 2020 में जो होनी थी उसको रद्द कर दिया गया है। तो ये भारत और किस देश के मध्य थी, ये थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको रद्द कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। किस देश के मध्य, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये एक्सरसाइज होती है। ठीक है, और भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक में 2018 में पहली बार भाग लिया था। तो ये भी पूछ सकता है भारत ने पहली बार भाग कब लिया था, 2018 में इस एक्सरसाइज में पहली बार भाग लिया था। आगे चलिए देखिए, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वायुसेना अभ्यास है इंद्रधनुष 2020, इसका जो पांचवा संस्करण बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए वायुसेना का जो अभ्यास है इंद्रधनुष, उसका 2020 में पांचवा संस्करण भारत व अन्य किस देश के मध्य हुआ है, भारत व अन्य किस देश के मध्य हुआ है, ये हुआ है ब्रिटेन, यानी ऑप्शन बी, यानी यूनाइटेड किंगडम भी आप इसको बोल सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी ऑप्शन में आ सकता है। तो ये जो युद्ध अभ्यास है इंद्रधनुष, ये भारत और ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ है। इसका जो एडिशन है वो कौन सा है, ये फिफ्थ एडिशन है। कौन सा एडिशन है, फिफ्थ है। और ये कहाँ पर आयोजित की गई है, ये वायुसेना का जो स्टेशन है हिंडा, जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। वहां पर क्या किया गया है, इसका आयोजन किया गया है, तो आपको याद रखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आगे चलिए नेक्स्ट, आपका देखिए 10th प्रश्न क्या है, 11th इंद्र नेवी। तो जो इंद्र नेवी 2020 नौसेना अभ्यास हुआ है, इसका कौन सा एडिशन था, ये 11वां एडिशन है। ये भारत और किस देश के मध्य हुआ है, भारत और किस देश के मध्य हुआ है, ये हुआ है भारत और रूस के मध्य, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या है यहाँ पर सही उत्तर है। 11th जो इंद्र नेवी एक्सरसाइज है ये भारत और रूस के मध्य हुई है। ठीक है, और इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है, बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ है। आगे चलिए नेक्स्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी, अजय वॉरियर जो 2020 है संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और किस देश के मध्य हुआ है। अजय वॉरियर जो है भारत और किस देश के मध्य हुआ है, ये भी भारत और ब्रिटेन के मध्य हुई है। कुछ ही एक्सरसाइज हुई है बट वो जो हुई है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के मध्य हुई है और इसका जो आयोजन है, देखिए ये फिफ्थ एडिशन है, ये कौन सा एडिशन है, फिफ्थ एडिशन है। और ये संयुक्त राज्य में,
जो ये संयुक्त राज्य में सेलिसबरी मैदानों में आयोजित किया गया है, इसका जो आयोजन है वो सेलिसबरी मैदानों में, संयुक्त राज्य के सेलिसबरी जो मैदान है वहां पर किया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, नौसेना अभ्यास है नसीम अल बहर 2020 का। देखिए ये कौन सा एडिशन है, 12वां एडिशन है, तो इसका जो 12वां संस्करण है भारत और अन्य किस देश के मध्य हुआ है, इसका नौसेना ये जो अभ्यास है इसका 12वां जो संस्करण है वो भारत और किस देश के मध्य हुआ है, तो देखिए भारत और ओमान के मध्य, किसके मध्य, भारत और ओमान के मध्य हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, गोवा में, जनवरी में गोवा में इसका आयोजन हुआ है, कहाँ इसका आयोजन किया गया है, जनवरी में गोवा में इसका आयोजन किया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, जनवरी 2020 में भारतीय सेना द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में किए गए सबसे बड़े हवाई अभ्यास को क्या नाम दिया गया। देखिए भारतीय सेना द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा हवाई अभ्यास जो है वो किया गया है, उसको नाम क्या दिया गया है, उसको नाम दिया गया है विंड रेडर। क्या है, विंड रेडर उसको नाम दिया गया है, इम्पोर्टेंट है, क्या नाम दिया गया है, विंड रेडर उसको नाम दिया गया है। यहाँ पर समझ गए आप सभी लोग, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पर आपके लिए क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, नौसेना अभ्यास, क्या है नेक्स्ट प्रश्न, नौसेना अभ्यास कौन सा है ये, मिलन 2020 कहाँ आयोजित होने वाली थी। देखिए ये जो आयोजित होने वाली थी, कहाँ आयोजित होने वाली थी, ये आयोजित होने वाली थी विशाखापट्टनम में, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया है कोविड-19 के चलते। नौसेना अभ्यास है मिलन, इसको क्या कर दिया गया है, इसको पोस्टपोन यानी इसको डिले कर दिया गया है, ये होने वाली थी बट ये नहीं हुई। इसमें क्या था, 41 देश, सॉरी इसमें कितने देश आमंत्रित थे, इसमें 41 जो देश हैं वो आमंत्रित थे। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आपकी है भारतीय नौसेना ने मतला अभियान नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास किस शहर में आयोजित किया। देखिए भारतीय नौसेना ने एक अभियान जो है मतला अभियान, इसको तटीय मतलब जो तट रक्षक होते हैं तटीय सुरक्षा के लिए, जो हमारे जो भी तट होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए जो अभ्यास थी, इसका आयोजन किस शहर में किया गया, इसका आयोजन किया गया है कलकत्ता में, यानी ऑप्शन सी क्या है सही उत्तर है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, कलकत्ता में किया गया है। देखिए इस अभियान का जो नाम है, कलकत्ता के सुंदरबन जो है, कलकत्ता का जो सुंदरबन है उसमें बहने वाली नदी के नाम पर रखा गया है जहाँ इसका आयोजन किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया है कलकत्ता और सुंदरबन में जो नदी बहती है उसके नाम पर इसका जो मतला अभियान है वो नाम रखा गया है। ये 2020 की अभी हम सभी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 आयोजन अभियान का संचालन किया। देखिए भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर पहला अपना महानेवी कनेक्ट, महानेवी कनेक्ट 2020 जो अभियान है उसका संचालन किया है, वो किया है मुंबई में। कहाँ पर किया है, मुंबई में किया है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हुआ है तो आपको याद रखना है महानेवी कनेक्ट 2020 कहाँ किया है, मुंबई में किया है। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच नेटिव फ्यूरी 2020 नामक एक अभ्यास हुआ। देखिए अमेरिका और किस देश के मध्य अभी नेटिव फ्यूरी जो अभ्यास है 2020 वो हुआ, किस देश के मध्य हुआ है, भारत और यूएई के मध्य हुआ है, भारत और यूएई के मध्य ये जो अभ्यास है ये हुआ है, और ये द्विवर्षीय अभ्यास है जो अबू धाबी में आयोजित किया जाता है, मतलब इसका आयोजन कहाँ किया गया है, अबू धाबी में, और ये क्या है, द्विवर्षीय है। क्लियर, आगे चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन सी एक्सरसाइज है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक, अब देखिए ये भी भारतीय तटरक्षक है ने सेरेक्स 2020 का जो अभ्यास का आयोजन है वो कहाँ किया। अभी रिसेंट में 2020 में भारतीय तटरक्षकों ने सेरेक्स 2020 अभ्यास जो है उसका आयोजन कहाँ किया, उसका आयोजन किया गया है कहाँ पर, गोवा में उसका आयोजन किया गया है, इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। और यहाँ पर जो सेरेक्स की जो हम अगर फुल फॉर्म की बात करें, सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, क्या है इसकी फुल फॉर्म, सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, और इसकी थीम क्या है, हार्मोनेटाइजेशन ऑफ मैरिटाइम एंड
एरोनॉटिकल सर्च एंड रेस्क्यू, ये आपकी थीम भी पूछी जा सकती है, इम्पॉर्टेंट है। सेरिक्स 2020 जो अभ्यास है उसका आयोजन कहाँ किया गया है, गोवा में। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, थीम यहाँ पर मैंने इसकी आपको बता दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, 18 यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके साथ इम्पॉर्टेंट जो हैं वो डिस्कस किए हैं। वीडियो को आप पूरा एंड तक देख, हर वीडियो को एंड तक देखा करिए ताकि सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। एग्ज़ाम टाइम है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं और इनसे प्रश्न ज़रूर आएगा, तो आप ये सभी ज़रूर देखिए। अगर आप वीडियो पर, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।